मोहतरम दादा इकराम, बुजुर्गान दीन और मेरी अजीज़ माओं और बहनों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं, अक्सर मेरा अल्लाह ताला ने मेरी मुकद्दर में मेरे नसीब में ही लिखा, और ये मेरा शौक़ भी है कि मैं ट्रैवल करता हूं, ज़्यादा सफ़र करता हूं। जहां जहां मुसलमानों से वास्ता पड़ता है, मुसलमान मुल्कों में जाओ, मुसलमानों से वास्ता पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जो है वो फ्रॉड करेंगे, चीटिंग करेंगे, आपके साथ जो है धोखा करेंगे। तो इतनी तकलीफ़ होती है इस बात को। मैं आपको फ़लस्तीन की बात बताऊं, मैं फ़लस्तीन तो अब ऐसा हो गया जैसे मेरा दूसरा घर, मैं तो कोई 20 दफ़ा फ़लस्तीन जा चुका हूं। वहां पर आप हैरान होंगे कि यानी इस तरीके से वो बिहेव करते हैं दुकानदार, टैक्सी वाले और लोग, कि आपको यकीन नहीं आएगा कि यार ये कर क्या रहा है। यानी अभी हम जब गए तो बैत लहम में हमने खाना खाना था, तो हम चार पांच दोस्त वो ग्रुप को छोड़ दिया, हम बैठ गए। तो मैंने उसको कहा, हमारा एक दोस्त है साथ था, आफ्ताब और जका, और तो उस पर क्योंकि वो दोस्त थे तो मैंने कहा इससे ना एक एक चीज़ की कीमत पूछो और कीमत पूछ के लिखो, लिख कर वो चीज़ ऑर्डर करो। वो कहने लगा क्यों? मैंने कहा नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ। और जब ऑर्डर हो गया, ऑर्डर हो जाने के बाद मैंने कहा ये जो सैलेड भी लाएगा ना, सैलेड चटनी भी ला के रखे, उसका भी पूछना है कि इसके कितने पैसे हैं। क्योंकि क्या करते हैं, ला के रखेंगे, बिल बनाएंगे, आपका बिल बना है 150 का, वो बना देंगे 200 का। आप बोलोगे भाई ये 200 किस बात के? वो कहेंगे ये जो सलाद रखा है ये 50 का। यानी इतने तरीके इख्तियार किए हुए हैं कि आदमी हैरान हो जाता है। मैं आप गुजारिश करूं कि हम मस्जिद उमर बैत लहम में बाहर तरबूज बेच रहा था एक शख्स, तो बेचारा ऐसे फारिग खड़ा हुआ था। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार इतने बेहतरीन तरबूज हैं, सबको तरबूज खिलाते हैं। तो मैंने उससे पूछा भाई ये एक तरबूज तू मुझे कितने का देगा? तो वो कहता है कि मैं आपको 10 शक्ल का दूंगा। ठीक है जी, बात तय हो गई। अब वो मैंने तरबूज काट के जो है लोगों को हमने खिलाना शुरू कर दिए, खा रहे हैं, मैं गिन भी रहा हूँ कितने तरबूज हो गए। तो तकरीबन कोई ख्याल में 5 या 6 तरबूज हुए, तो उसके 60 शक्ल बनते हैं, तो मैंने उसको 100 शक्ल दिए, बल्कि 40 शक्ल ज़्यादा दे रहा हूँ मैं। तो दूसरा कह रहा है नहीं, एक जो तरबूज था वो 100 शक्ल का है, एक तरबूज 100 शक्ल का है, 10 शक्ल का नहीं है। तो मैं अरबी समझता हूँ, अरबी बोल भी लेता हूँ, तो मैंने उसको कहा यार मस्जिद के सामने है, अभी हमने असर की नमाज़ पढ़ी है, और तुम मुसलमान हो और तुम बैत लहम में हो, ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, और एक सेकंड के अंदर जो है तुम ये नहीं देख रहे कि तुम फारिग थे, मैंने तुम्हारा जो है वो इस चीज़ को सामने रखते हुए कि यार तुम्हारा कोई बिज़नेस हो जाए और तुम जो है वो थोड़ा सा अल्लाह तुम्हें बरकत दे दे, तो तुम उस क्यों अपने पैसे को हराम कर रहे हो? अब आप मुझे बताएं कि वो फिर एक ने उसको कहा कि नहीं यार तुम ऐसा ना करो, ये जो बात कर रहा है ठीक कर रहा है। दूसरा कह रहा है नहीं नहीं नहीं, इनसे एक एक उसके 100 निकलवाओ। तो मैं यकीन जानिए, मैं ये नहीं कि आदमी जो हम जब मुसलमानों की बात करते हैं ना, मैं उनकी नहीं कर रहा, मैं अपनी कर रहा हूँ। ये रोना जो है वो मेरा अपना है कि वो भी हम मुसलमान हैं, हमारा चेहरा है, हम क्या करते हैं। आप चले जाएँ, जाके देख लें अपने मुसलमान मुल्कों के अंदर, टैक्सी वालों का हाल, रक्शे वालों का हाल, रेहड़ी वाले का हाल, बड़े बड़े दुकानदारों का हाल, फौरन 2-2 रुपए के लिए जो है वो झूठी कस्में खाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।